गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा. वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत. बच्चों, आज मैं फिर से आपकी पाठ्यपुस्तिका संस्कृत सरोवर में जो मैंने आपको चतुर्थ पाठ जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसे फिर से लेकर उपस्थित हुई हूँ. बच्चों, उस दिन मैंने आपको इसका जो चतुर्थ पाठ है चतुरा सस का उसके शब्दार्थ को भी पढ़ाया था और ये सारे जो जो स्टोरी जो कहानी दी गई है उसमें उसे मैंने सभी उसके सभी वाक्यों को अर्थ के साथ समझाया था. बच्चों, आइए आज मैं आपके उसके जो उसका जो अभ्यास है उससे अवगत कराती हूँ. बच्चों, इसमें जो प्रश्न संख्या प्रथम है, पहला जो प्रश्न संख्या है उसमें है कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर भी आपको संस्कृत में ही लिखने होंगे. तो इनके और दूसरा जो प्रश्न संख्या है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. इन सभी कार्यों को तो आप अपने पाठ्य पुस्तिका जो आपका जो स्टोरी है उसको देखकर भी पढ़कर भी इस प्रश्नों के उत्तर दे देंगे. परंतु जो आपकी प्रश्न संख्या जो तृतीय है तीसरा जो है उसे आप जब तक व्याकरण को नहीं जानेंगे, उनके शब्द को नहीं जानेंगे, विभक्ति एवं वचनों को नहीं जानेंगे तब तक वो समझना आपके लिए कठिन होगा. क्योंकि मैं आपको इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो आपके कक्षाओं में जब मैं क्लास लेती हूँ तब मैंने आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि मैं इनसे एक बार और आपको अवगत करा दूँ ताकि आपको पढ़ने एवं समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना उठानी पड़े. इसमें प्रश्न संख्या जो तीन है उसमें विभक्ति एवं वचन जो शब्द दिए गए हैं उनके विभक्ति एवं वचन को जानना है. एवं प्रश्न संख्या जो चार है उसमें आपको सर्वनाम शब्द जो आपके पाठ में जो स्टोरी दी गई जो कहानी दी गई है उसमें से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखना है. आपको पता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं. तो आपको इनमें से सर्वनाम शब्द को छांटकर इसमें लिखना है. पहले आइए हम आपको दिखाते हैं पाठ जो प्रश्न संख्या जो है तृतीय तीसरा जो प्रश्न संख्या है उसे मैं बताती हूँ कि कैसे उस क्या शब्द हैं और उसकी विभक्ति और वचन कैसे हैं. देखिए, जैसा कि पाठ जो मैंने आपको पढ़ाया उस पर उस पाठ को पढ़कर आपको इस प्रकार से प्रश्न संख्या जो आपका प्रथम है वो है जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर को लिखना है जो कि आपके पाठ से ही रिलेटेड है. आपके पाठ में ही जो स्टोरी दी गई उसी से इस प्रश्न को पूछा गया है और आपको उसी को पढ़कर इसका समुचित उत्तर देना होगा. रिक्त स्थानों की पूर्ति करना भी जैसे आपके जो जो वाक्य दिए गए हैं उसी में से कुछ शब्द को हटा दिया गया है जिसको आप उस शब्द को जब आप ये ब्लैंक्स के स्थान पर जो खाली रिक्त स्थान के स्थान पर उस शब्द को डालकर आपको इस वाक्य को पूरा करना होगा. तो ये है. और ये प्रश्न संख्या जो है तीसरा जो प्रश्न संख्या है उसमें है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए. इसमें शब्द हैं तान, त्वम, सिंह, मार्गे एवं सस कश्य. अब आपको पहले जो शब्द है तान उसकी विभक्ति एवं उसके वचन को लिखना है. तान शब्द जो है वो तत् शब्द रूप का जो है द्वितीय विभक्ति के का बहुवचन है. तान शब्द जो है तान का अर्थ होता है वह और यह तत् शब्द रूप है. तत् का अर्थ होता है वह और तान जो है वो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है. प्रथमा विभक्ति का एक वचन, सह द्विवचन तौ और बहुवचन में ते होता है. सह तौ ते द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है, तम द्विवचन होता है तौ तम तौ और बहुवचन होता है तान. तो यह तान जो है वो तत् शब्द रूप है और यह जो है सो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है. त्वम शब्द जो है त्वम शब्द रूप जो है उसको वो युष्मद शब्द से है. त्वम जो है उसका अर्थ होता है तुम. त्वम का अर्थ होता है तुम और यह युष्मद शब्द रूप से है. यह त्वम है यानी तुम एक यानी यह जो है वो प्रथमा विभक्ति त्वम जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है.
क्योंकि त्वम इसमें जो है दूसरे के लिए मतलब या त्वम जो है सिर्फ एक एक के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए जो है यह त्वम जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, यानी कर्ता के रूप में है, इसलिए यह प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। सिंह, सिंह भी सिंह जो है सो शेर को कहते हैं, और यह जो है यह भी जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में आता है। अब है मार्गे, मार्गे का जो मूल शब्द है वो है मार्ग। यह जो मार्गे जो है वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है, अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति। इसका अर्थ होता है, मार्गे का अर्थ होता है रास्ते में, रास्ते में। यह जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। शशकश्य, शशकश्य का अर्थ है खरगोश का, यह संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है। शशकश्य का जो है वो षष्ठी विभक्ति और वचन में एक वचन है। इस प्रकार से आपको पहले जो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि यदि आपको संस्कृत किसी भी भाषा को जानना है तो उसके व्याकरण को जानना आवश्यक है, उसके शब्द के रूप को जानना आवश्यक होता है। बच्चे आप सब बच्चों आप सब लोग जो है शब्द के रूपों को याद कीजिए, शब्द के रूप को जानिए, उसके बाद जो है सो उसके विभक्ति और वचन जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसको समझ करके और अपने जो है ये प्रश्न संख्या जो तीसरा प्रश्न संख्या है उसको जो है वो बनाइए। बच्चों इस पाठ को मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, इसके किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं जिसके उत्तर आप पाठ से दे सकते हैं, और जिनके उत्तर आपकी समझ में नहीं आने वाली, जो दिक्कत हो सकता है, जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है, उसे भी मैंने आपको भली प्रकार से समझा दिया है। और आपको जब अब किसी प्रकार की दिक्कत हो तो फिर आप जो है इसको अच्छी प्रकार से फिर से इस वीडियो को देखेंगे कि किस प्रकार से मैंने समझाया है, और इस बात को समझकर अच्छी प्रकार से समझकर इस जो क्वेश्चन आंसर है उसको बनाएंगे। आगे के पाठ लेकर मैं फिर से उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।